हैप्पी दिवाली टू इंडिया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल हिंदूज एंड देयर फैमिलीज। तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी दिवाली के बारे में क्या जानते हैं? दिवाली जो है हमारे नजदीक तो एक हिंदुओं का मतलब एक रस्म है, जिस तरह हमारा एक ईद होती है उनका एक मतलब फेस्टिवल है। दिवाली उनका एक फेस्टिवल है, जैसे हमारे यहाँ ईद होती है वैसे उनका भी वहाँ पर एक फेस्टिवल है, वो उसे बहुत धूमधाम सेलिब्रेट करते हैं। 3, 2, 1, हैप्पी दिवाली। कि दिवाली का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? पटाखे। इंडियन कल्चर मतलब ये इंडियन कल्चर है, ठीक है, तो इसमें पटाखे वगैरह बजाए जाते हैं और लाइक वो कुछ ये मतलब यही है दिवाली का मेन कॉन्सेप्ट, ये है कि मतलब उसमें होता है कि लोगों के जो ईवल स्पिरिट्स हैं पटाखे ले जाते हैं जैसे बोर्ड के ऊपर जाते हैं। तो ये कि पाकिस्तानी दिवाली के बारे में क्या जानते हैं? दिवाली जो है हमारे नज़दीक तो एक हिंदुओं का मतलब एक रस्म है, जिस तरह हमारा एक ईद होती है उनका एक मतलब फेस्टिवल है। दिवाली उनका एक फेस्टिवल है, जैसे हमारे यहाँ ईद होती है वैसे उनका भी वहाँ पर एक फेस्टिवल है, वो उसे बहुत धूमधाम सेलिब्रेट करते हैं और अच्छी बात है, करना चाहिए। इसके मुतालिक यही जानते हैं कि जब उनका ये दिवाली का त्यौहार आता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने घरों में डेकोरेशन करते हैं, दिवाली बनाते हैं और सारे उनकी रंगोली वो जो उनकी होती है रंगोली बनाते हैं और आपस में मिलजुल के इकट्ठे होते हैं, मोहब्बत का मतलब के प्यार बांटते हैं आपस में और खुशी का इजहार करते हैं। सबसे बड़ी बात एक फेस्टिवल है, जैसे हम अपनी ईद मनाते हैं और हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं उनको मुबारकबाद देते हैं, इसी तरह वो अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं खुशी मनाते हैं। दिवाली के बारे में ये है कि उनका राम और सीता की याद में ये दिवाली मनाई जाती है और ये 5 दिन के लिए इनकी पब्लिक हॉलीडेज होती हैं जिसमें खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, लेकिन ये इसको सेफ तरीके से वैसे मनाना चाहिए, लेकिन हम इनकी खुशियों में शरीक होते हैं और इनको हैप्पी दिवाली। मेरे नज़दीक ये एक बहुत अच्छा इवेंट है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है ना कुछ, क्योंकि एक हैप्पीनेस मतलब वो माहौल क्रिएट करता है, ना कोई डिस्टर्ब किसी को करता है। तो मुझे ये बताइए दिवाली क्यों मनाई जाती है? जैसे हमारे यहाँ ईद होती है वैसे उनके भी वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, वो उसे सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पर। हिंदू कम्युनिटी में मोस्टली दिवाली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उनके वो जो राम और सीता की कहानी थी उसकी वजह से जो है वो मेरे ख्याल से उन्हीं की याद में दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार बेसिकली तो उनका एक रिलीजियस है ना बैकग्राउंड है, उसमें उसके तहत मनाया जाता है उनके, जिस तरह हमारी ईद क्यों मनाई जाती है खुशी का दिन है, इसी की तरह उनको एक कोई रिलीजियस होगी कि पीछे कोई मतलब जिस तरह राम और सीता की कोई मतलब कहानी मिथ्स पे बेस करता है। दिवाली का त्यौहार यही है कि ना जो राम और सीता के बारे में सुना है कि इनकी जो भी है रावण की कहानी है और इसकी याद में ये दिवाली मनाते हैं। बेसिकली चीज़ ये थी कि वो 14 साल के लिए जलावतनी चले जाते हैं और वहाँ पे वो फॉरेस्ट में रहते हैं राम सीता और लक्ष्मण, और फिर ये होता है कि 14 साल का टेन्योर जब खत्म होता है तो सीता को रावण ले जाता है, सुना होगा ना 10 सड़ों वाला फिर उनको जलाया जाता है, तो ये स्टोरी है। हाँ तो वो इसलिए जलाते हैं क्योंकि उसको जो राम ने है उसको ख़त्म कर दिया था सीता को वापस लाने के लिए, तो इसकी याद में जब 14 साल बाद वो अपने अयोध्या सिटी में आए थे तो उस टाइम के जो आए थे वो लोग तो सबों ने अपने घरों को सजाया था बड़े खूबसूरती से उनका वेलकम करने के लिए, तो इस याद में जो है दिवाली को मनाया जाता है। दिवाली का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? पटाखे। इंडियन कल्चर मतलब ये इंडियन कल्चर है, ठीक है, तो इसमें पटाखे वगैरह बजाए जाते हैं और लाइक वो कुछ ये मतलब यही है दिवाली का मेन कॉन्सेप्ट, ये है कि मतलब उसमें होता है कि लोगों के जो ईवल स्पिरिट्स हैं पटाखे ले जाते हैं जैसे बोर्ड के ऊपर जाते हैं, तो ये सीन है। भारत में दिवाली है, ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगी भारत को कि सिक्योरिटी इशू भारत के तो नहीं थे भारत को ये देना चाहूँगी कि यार इतना ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं हो रहा, मतलब उनका था ना एक इंटरव्यू जिसमें विराट कोहली कह रहा होता है कि अब यार इनसे ज़रा देख लो इनसे आगे भिड़ेंगे, तो अब माशाल्लाह उनकी एक टांग सेमी वहाँ पे है और एक टांग उनकी मुंबई, पता नहीं किस तरह की जुगत थी वो मुझे बहा नहीं रही है। खैर भारत को ये मैसेज है कि डोंट अंडरएस्टिमेट पाकिस्तान, हमारी भी टीम अच्छी है, देखो अब हम भी दूसरे नंबर में हैं। आप सबको बहुत मुबारक हो, कल दिवाली है, पीस बारे में आपकी क्या राय है, इसको कैसे देख रही हैं आप? दिवाली ये इंडिया में एक फेस्टिवल है, अच्छी बात है, जैसे हम ईद मनाते हैं सबके फेस्टिवल को और सबके रिलीजन को हमें जो है वो बुरा नहीं कहना चाहिए, उनका एक फेस्टिवल है और आई थिंक कल दिवाली है इंडिया में, तो हमारी तरफ से सब इंडियन बहन भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। दिवाली का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? फेस्टिवल किसका? भारत का। अच्छा आपके जहन में क्या आता है? मेरे जहन में भी ये है कि फेस्टिवल है उन लोगों का और उनकी कोई मजहबी जो है रसूमात हैं जिसको वो लोग सारे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमारे कोई इधर त्यौहार होता है तो हम लोग बड़े जोशों खरोश से खुशियों से मनाते हैं, तो इस तरह वो लोग भी बहुत खुशी से मनाते हैं। आपकी आंखों में मुझे आंसू लग रहे हैं, लगता है बहुत जज्बाती हो गई हैं। हाँ जज्बाती नहीं, ये है ही ऐसी जज्बाती नहीं हुई लेकिन आंसू दे।
मुझे इतनी एक्साइटेड है, आपको पता देख मुझे देख के एक्साइटेड है। हाँ जी, अच्छा दिवाली का ऐसा तो नहीं मुझे पता है इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये खुशियों का दिन है और जितने भी आप लोगों से नाराज़ लोग हैं आप लोगों को चाहिए कि सारी नाराज़गियाँ भूल के सबको गले लगाएं, क्योंकि ये खुशी का दिन है तो सबके साथ खुशी से रहें। थैंक यू। मेरी तरफ से भी यही है। मेरी तरफ से भी यही है। आपकी तरफ से भी यही है। चलें तो आपको दिवाली में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? उनकी रंगोली है, उनके क्या कहते हैं पटाखे फोड़ते हैं और ईच एंड एवरीथिंग पूजा वगैरह, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? रंगोली एक वो करते हैं अपने त्यौहार में, तो वो मुझे अच्छी लगती है। वैसे तो वो और भी अपने म्यूज़िक के साथ साथ होली और वो फायरवर्क्स वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन रंगोली इसमें बेस्ट लगती है। अच्छा, इस त्यौहार में आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? इस त्यौहार में तकरीबन चीज़ें तो सभी अच्छी हैं, बट लेकिन मेरे नज़दीक तो एक जो एक वो मतलब स्वीट अपना करते हैं, खाना बनाते हैं, मतलब शेयर करते हैं, ये चीज़ मेरे नज़दीक बहुत अच्छी। मुझे सबसे अच्छा लगता है पूजा जो बोला और पटाखे और सेलिब्रेशन डांस वगैरह। रंगोली पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि इतने प्यारे कलरफुल के तरीके से कलरफुल होते हैं और वो बड़े अट्रैक्टिव सा होते हैं। बिल्कुल ऐसी है वो, इंडियन ड्रामा वगैरह भी मैं देखते हैं कि वो इतना सजाते हैं और इतना प्यारा लगता है वो चीज़, दिए वगैरह रात को रोशन करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और हमें भी चाहिए कि इनकी खुशियों में शरीक हों। रंगोली क्योंकि हर कोई अपने दिमाग से उसको बनाता है और उसे सेलिब्रेट करना चाहता है और अपने क्रिएटिविटी को शो कर रहा होता है। एग्जैक्टली, रंगोली बहुत ही क्रिएटिव आर्ट है। उसको इंडियन खाने पसंद है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या अच्छा लगता है सबसे? इंडियन सब्जी एक उनकी बड़ी मशहूर होती है, वो स्पेशल वो बनाते हैं, इंडियन वेजिटेबल उनको कहा जाता है, वो जो थाली टाइप होता है उसमें सब कुछ मिक्सचर मतलब सब सब्जियों का करके। थाली का वर्ड सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? दिवाली का, दिवाली जी इंडिया का एक फेस्टिवल है और दिवाली में ख्याल में वो आग जलाते हैं, वही वाला है ना दिवाली? वो बेसिकली पटाखे चलाते हैं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर ईदें होती हैं। हाँ बिल्कुल, दिवाली का वर्ड सुनते जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे माइंड में आ रहा था क्योंकि मेरा बचपन सिंध में गुजरा है, तो सिंध में काफ़ी सारे हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं खुद एक आध बार उनके सेलिब्रेशन में गया हूँ, तो बड़े फायरवर्क्स होता है और बड़ी आग जला के और उसके इर्द गिर्द बड़ा डांस, ये सेलिब्रेशन ये वो, बड़े ये मतलब एक फेस्टिविटी होती है, बड़ा इन्जॉय करते हैं, तो यही माइंड में आता है, फ़ौरन क्लिक हुआ। जैसे ही आपने पूछा ना, आपने पूछा कि जनाब सुनते ही क्या माइंड में आता है, जैसे ही मैंने सुना तो वो हिंदुओं की वो फेस्टिविटी, वो फेस्टिवल मेरे माइंड में आया जो मैंने बचपन में देखा था। अहमद, दिवाली का वर्ड सुनकर आपके जहन में क्या आता है? जी फेस्टिवल है इंडियन। अच्छा। और मतलब के काफ़ी अच्छा है, मतलब के देखा जाए तो मतलब के काफ़ी मतलब के फन होता है, काफ़ी इन्जॉय होता है उसमें, एक अच्छा है फेस्टिवल, काफ़ी गुड है। अच्छा, थोड़ा सा क्या कल भारत में फेस्टिवल है दिवाली का, क्या कहना चाहेंगे भारत को? भारत को यही कहना चाहेंगे, यार मैचेस तो आप लोग दो हार गए लेकिन अपना फेस्टिवल मत खराब करें, क्योंकि उम्मीद है इंडिया आज भी हारेगा, लेकिन अपना फेस्टिवल मत खराब करें, अच्छा एंजॉय करें, हैप्पी दिवाली। वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? पटाखे। पटाखे और क्या आता है? और खुशियाँ। इस फेस्टिवल के बारे में कितना जानते हैं? फेस्टिवल के बारे में ये है कि अच्छा फेस्टिवल है, लोग मिलते हैं जुलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, वो चीज़ें लेकर जाते हैं, फैमिलीज आपको पता है गैदरिंग होती है और पटाखे शटाखे चलाते हैं, तो ये है कि अच्छा फेस्टिवल, खुशियाँ लेकर आती है ये फेस्टिवल, तो ये है कि होना चाहिए। देखें जहाँ पर इतने हालात ख़राब चल रहे हैं वहाँ पर यही छोटे छोटे त्यौहार हैं जो फैमिलीज़ को खुशियाँ देते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, तो ये है कि एक अच्छी चीज़ है।